सूरज का सितम जारी है, लेकिन अभी फिलहाल लोगों को गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली। मौसम वैज्ञानिक एके गिरी से बात की है जी मीडिया संवाददाता आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मौसम विभाग के साइंटिस्ट एके गिरी सर। सर, मौसम विभाग की स्थिति क्या है और गर्मी का जो कहर है वो कब तक चलेगी? नहीं, अभी तो अगले 3-4 दिनों ऐसी कोई राहत की ज़्यादा उम्मीद नहीं है। तो पश्चिमी हवाएं हैं वो ड्राई हैं, पूरा एरिया वो ड्राई है, सभी तो ड्राई हवाएं चलेंगी। लेकिन शनिवार इतवार में यह है कि पश्चिम विक्षोभ है, उसका थोड़ा सा असर देखने को मिलेगा, तो उससे 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आएगी। बहुत ज़्यादा उस पर भी उम्मीद नहीं है। सर, नक्शे के हिसाब से बताया ना, जो हमारे दर्शक वो देखना चाहते हैं क्या है टेम्परेचर और कब तक स्थितियाँ सुधर सकती है। ये हमारे यहाँ डॉपलर वेदर रडार की स्थिति है जो आप ये सामने देख रहे हैं, ये रिफ्लेक्टिविटी दिखाती है। तो जब कभी बादल वगैरह होंगे तो वो इस तरह के कलर में आएगी, या तो ब्लू आएगा या वाइट या फिर येलो या रेड। रेड है तो मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंस है, प्रेसिपिटेशन या आंधी तूफान की संभावना है। ब्लू है तो क्लाउड वगैरह है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ कहीं भी अभी क्लाउड ऐसा कोई नामो निशान भी नज़र नहीं आ रहा है, तो जिससे कि पता चलता है कि ज़्यादातर एरिया शुष्क है। ये कब तक ऐसी स्थिति रहेगी सर? अगले 3-4 दिन अभी ऐसा ही है। 3-4 दिनों के बाद गर्मी से राहत मिलेगी? नहीं, राहत बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में कमी आएगी। एक पश्चिमी विक्षोभ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो हल्का ही है, लेकिन उसका थोड़ा सा असर देखने को मिलेगा, तो शनिवार इतवार में थोड़ा सा देखने। तो गर्मी से फिलहाल राहत कब तक मिलने की उम्मीद है? नहीं, थोड़ा बहुत जो परिवर्तन आएगा वो शनिवार इतवार में आएगा, उससे पहले नहीं है। यानी कि शनिवार रविवार के बाद स्थितियाँ बदल सकती हैं? नहीं, ज़्यादा नहीं बदलेंगे, फिर भी इस इतनी गर्मी से राहत थोड़ा सा, हाँ, 1-2 डिग्री टेम्परेचर। तो गर्मी से राहत के लिए आपको शनिवार रविवार तक इंतजार करना होगा, उसके बाद थोड़ी सी राहत मिलेगी। बहुत ज़्यादा राहत तो नहीं मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद है। कैमरामैन गंधर्व के साथ आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। और सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड में भी यही हाल है, जहां पर राजधानी रांची और पूरे झारखंड में रिकॉर्ड तोड़ रही है गर्मी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए हीट वेव की चेतावनी जारी की है, जिसमें तापमान 4-5 डिग्री ज्यादा रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार मैदानी भाग से आ रहे पछुआ हवा की वजह से हवा में नमी नहीं है, जिस वजह से लू चलने की संभावनाएं बढ़ गई है। झारखंड के पश्चिमी भाग पलामू और डाल्टेनगंज में तापमान सबसे अधिक का अनुमान है। झारखंड के कुछ भागों में, आइसोलेटेड प्लेसेस ऑफ झारखंड में हीटवेव कंडीशन बना हुआ है, जहां का तापमान सामान्य से 5-6 डिग्री ऊपर रहने की संभावना है। खास करके हमारा जो पश्चिमी भाग है झारखंड का, पलामू, गढ़वा, लातेहार, वहां पे तापमान सामान्य से 5-6 डिग्री ज़्यादा रहने की संभावना है। और बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे महाराष्ट्र के लातूर में पानी एक्सप्रेस पहुंच गई है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से लातूर के लोगों को अगले 3 दिनों तक ये पानी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अब तक पानी स्टोर करने का इंतजाम नहीं किया गया। हाल ही में पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया गया है। जिस ट्रेन को सोमवार शाम 7 बजे लातूर पानी पहुँचाना था, वो ट्रेन मंगलवार यानी आज सुबह पानी लेकर लातूर पहुँची। देर आए दुरुस्त आए, रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अपना वादा पूरा कर दिया। पानी एक्सप्रेस देर से ही सही लातूर पहुंच ही गई। लातूर के प्यासे लोगों से पानी फिर भी दूर है। पानी एक्सप्रेस भले ही पहुंच गई है, लेकिन समस्या अब दूसरी है। लातूर के लोगों के लिए पानी की कीमत जेवर से कुछ कम नहीं है। पानी पहुंचा, उसे रखे कहां, कैसे सहेजे? तस्वीरें आप भी देखिए, पानी पहुँचने के 15 घंटे पहले की है ये तस्वीरें। लातूर के रेलवे स्टेशन पर पाइपलाइन बिछाई जा रही है, काम चल रहा है, लेकिन तैयारी अधूरी है। जिस कुएं में पानी को स्टोर करना यानी रखा जाना है, वहां भी साफ सफाई का ही काम चल रहा है, मतलब अब तक तैयारी पूरी नहीं दिख रही है। लातूर नगर पालिका के कमिश्नर की जुबानी सुनिए। निरस से पानी आने के बाद यहाँ पे जो डिकेंटिंग करने के लिए जो भी आवश्यक यहाँ पे काम है वो पूरा हो चुका है ऑलमोस्ट। उसके बाद में यहाँ से पानी उठाने के लिए फिलहाल हम यहाँ पे टैंकर पॉइंट हमने बनाया है। बड़े टैंकर से यहाँ से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को पानी लेके जाएगा और ट्रीट करके सिटी में छोटे टैंकर से 6000 लीटर के, तो वो टैंकर के माध्यम से सिटी में उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। कमिश्नर साहब, पानी की किल्लत के लिए कुदरत जिम्मेदार हो सकती है, जनता के लिए पानी का इंतजाम न किए जाने के लिए सरकार को भी खरी खोटी सुनना पड़ता है, लेकिन इस बद इंतजामी के लिए क्या आप खुद जिम्मेदार नहीं है? 24 मार्च को रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने लातूर में ट्रेन से पानी भेजने के लिए ट्वीट किया था। रेल मंत्री के ट्वीट के 19 दिन बाद ट्रेन पानी लेकर सांगली से लातूर के लिए रवाना हुई।
लातूर नगर पालिका को इंतजाम के लिए अच्छे खासे 18 दिन मिले, लेकिन नतीजा सिफर। और इधर पानी लेकर जो ट्रेन लातूर पहुंची, अब उसकी खासियत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, साथ ही ये भी दिखाते हैं कि आखिर लातूर की ये हालत क्यों हुई है। प्रभु की पानी एक्सप्रेस ट्रेन में कृष्णा नदी का पानी भरा गया है। पानी भरने के लिए खास तौर पर 2.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई। इस ट्रेन में 10 वैगन हैं, जिसमें करीब 5.5 लाख लीटर पानी है। सवाल ये है कि लातूर में पानी की किल्लत पर हाहाकार फरवरी मार्च से ही शुरू हो गया था, फिर पानी एक्सप्रेस को रवाना करने में इतने दिन क्यों लगे। अब अगर लोगों को इतनी ज्यादा परेशानी हो कि वो माइग्रेशन करना पड़े और आपको ट्रेन भेजनी पड़े पानी की, तो इसका ये तो सब बिल्कुल एक तरह से फायर फाइटिंग है। फायर फाइटिंग की स्थिति में हम आते ही क्यों हैं? क्या हम समय रहते इस तरह के स्टेप्स या इस तरह के पॉलिसीज, इस तरह के प्लानिंग नहीं कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति ना हो। दरअसल जिन वैगन में पानी लाया गया है उनमें पहले ईंधन की सप्लाई होती थी। टैंकरों को राजस्थान के कोटा में भाप से साफ किया गया ताकि पानी पूरी तरह साफ हो। बड़ा सवाल ये भी है कि 5.5 लाख लीटर पानी लातूर के लोगों की प्यास बुझाने के लिए ऊंट के मुंह में जीरा जैसा नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में आप देखिए, महाराष्ट्र स्टेट में सबसे ज्यादा डैम पानी के काम के लिए सबसे ज्यादा पैसा खर्चा किया है, और साथ साथ ये पिछले 5 साल में आप देख रहे हो सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, जो प्लान बना रहे हैं, वो बेसिक गलत चीज हम लोग ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर आंकड़ों से समझे तो एक आदमी एक दिन में नहाने में 55 लीटर, टॉयलेट में 30 लीटर, कपड़े धोने में 20 लीटर, घर के कामों में 10 लीटर, बर्तन साफ करने में 10 लीटर, खाना पकाने में 5 लीटर और पीने में 5 लीटर पानी खर्च करता है। यानी एक दिन में एक आदमी कुल 135 लीटर पानी खर्च करता है। इस लिहाज से देखें तो पानी एक्सप्रेस के 5.5 लाख लीटर पानी से 4,075 लोगों की जरूरत एक दिन के लिए पूरी होगी, जबकि लातूर की आबादी करीब 20 लाख है। एक्सपर्ट के मुताबिक लातूर में रोज 20 मिलियन लीटर पानी की जरूरत है। पानी भी मैं बोलता हूँ वही इज्जत से, वही सम्मान से हमने यदि उसको रिसाइकल किया, एक बार पानी का यूज हो गया, उसका सही ढंग से ट्रीटमेंट करके हम लोग वापस उसका रीयूज करेंगे, तभी ये पानी का कुछ हल हो सकता है। सरकार की ये कोशिश महज एक दिखावा है, ऐसा मान लेना कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि पानी एक्सप्रेस के पानी से एक दिन के लिए भी लातूर के 1% लोगों की पानी की जरूरत पूरी नहीं होगी। यही वो राष्ट्र है महाराष्ट्र, जहाँ की इतने बड़े बड़े इरीगेशन घोटाले हुए, इतने बड़े बड़े डैम को लेके घोटाले हुए, बड़े बड़े नेता उसमें मिले रहे, ये क्या कर रहे थे हैं? जैसे मैंने कहा कि इस स्टेट में हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा बड़े बांध हैं, अगर ये स्थिति थी तो फिर यहाँ पर ऐसा सूखे के समय में पानी की इतनी किल्लत क्यों हो रही है? इस प्रश्न को जरा समझें, इस प्रश्न पर सोचें। सवाल ये भी है कि पानी की इतनी बड़ी समस्या लातूर में ही क्यों हुई? एक समय में लातूर में ग्राउंड वाटर लेवल 4-5 मीटर पर मौजूद था, लेकिन अब ये पानी जमीन के नीचे 400 से 600 मीटर पर मिलता है। एक आंकड़े के मुताबिक हर दिन लातूर में 150 बोरवेल फेल हो रहे हैं, यानी ग्राउंड वाटर लेवल लगातार नीचे जा रहा है। दरअसल लातूर जिले में 11 शुगर मिल्स हैं। 1 किलो चीनी के उत्पादन के लिए 3,500 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। माना जा रहा है कि ग्राउंड वाटर के नीचे जाने में गन्ने की खेती बड़ी वजह है। सांगली से रविंद्र कांबले के साथ शशिकांत पाटिल और एहसन अब्बास, जी मीडिया, लातूर, महाराष्ट्र।